हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा और गार्डन वाइब्स में आपका स्वागत है। ये मेडिसिनल पौधों के वीडियो का सेकेंड पार्ट है। पहले वीडियो में मैंने आपके साथ तुलसी और गिलोय के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। इस वीडियो में बाकी के जो पौधे हैं उनके बारे में मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। लेमन ग्रास, लेमन ग्रास को भी बहुत सारे नामों से पहचाना जाता है, जैसे मराठी में गवती चहा, ऑयल ग्रास और सिट्रोनेला ग्रास। ये भी एक मल्टीपर्पज़ पौधा है, इसे मैं तो कहूँगी एक एरोमेटिक हर्ब है। लेमन ग्रास में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, उसकी वजह से वो मेडिसिनल प्लांट भी माना जाता है और बहुत सारे हर्बल जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उसमें लेमन ग्रास का यूज़ हो जाता है। इसके अलावा एरोमा थेरेपी जो रहती है उसमें भी इसके इसेंशियल ऑयल का यूज़ किया जाता है। और जैसे कि मैंने बताया, लेमन ग्रास में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं, तो इसका यूज़ कॉमन कफ, कोल्ड या फीवर जो रहता है उसमें किया जाता है। लेमन ग्रास एक बहुत ही इजी प्लांट है, हम उसे घर में आसानी से लगा सकते हैं और उसकी केयर भी उतनी ही आसान है। बस दो तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। लेमन ग्रास को सनलाइट, धूप बहुत पसंद है, इसलिए आप लेमन ग्रास ऐसी जगह रखें जहाँ 4 से 5 घंटे की अच्छी सनलाइट आती हो, वरना लेमन ग्रास की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। और वेल ड्रेन सॉइल यूज़ करें और लेमन ग्रास को रेगुलर पानी की आवश्यकता रहती है। अगर उसे आप कम पानी देंगे तो इसके जो पत्ते हैं वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप रेगुलर पानी दें और हमेशा मिट्टी में हल्की सी नमी बनाए रखें, कभी भी कंप्लीट मिट्टी को ड्राई होना मत दें। और आप पॉट जो यूज़ करें उसमें बहुत सारे ड्रेनेज होल्स हो, उसके वजह से इसमें रूट रॉट नहीं होगा और आपका लेमन ग्रास हेल्दी रहेगा। बस आपको एक ही याद रखना है कि इसके मिट्टी में हमेशा नमी बनाए रखनी है, इसलिए रेगुलर वाटरिंग करना है और अच्छे जहाँ पे अच्छा सनलाइट आता हो वहीं पे आपको लेमन ग्रास को ग्रो करना है। और अगर मैं फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो जैसे कि हम इसके पत्तों के लिए लेमन ग्रास को ग्रो करते हैं, इसलिए जो भी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र है, वर्मी कंपोस्ट हो गया या सी वीड लिक्विड फर्टिलाइज़र हो गया, आप महीने में एक बार लेमन ग्रास को फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। वैसे तो लेमन ग्रास बहुत सारी एशियन क्यूजीन, थाई क्यूजीन में यूज़ होता है, लेकिन मुझे पर्सनली पसंद है कि दिन की शुरुआत लेमन ग्रास टी से हो। इससे आपका दिन अच्छा, फ्रेश और ताज़ा जाएगा, आप में एक एनर्जी रहेगी और इसका लेमनी सिट्रस जो टेस्ट रहता है वो मुझे पसंद है। आप लेमन ग्रास को आपके रेगुलर चाय में भी ऐड कर सकते हो, उसके कुछ पत्ते क्रश करके, नहीं तो आप सेपरेट लेमन ग्रास टी भी बना सकते हो। इसके लिए आपको लेमन ग्रास के पत्तों को और पानी में कुछ देर तक उबालना होगा और उसके बाद कुछ ड्रॉप्स हनी के डाल के आप उसका सेवन कर सकते हैं। कुछ लोगों को कोल्ड लेमन ग्रास टी भी बहुत पसंद है, तो आप कुछ आइस क्यूब डाल के उसको कोल्ड लेमन ग्रास टी बना के भी ले सकते हैं। तो ये है एक मल्टीपर्पज़ हर्ब कम मेडिसिनल प्लांट। नेक्स्ट पौधा है पुदीना, जिसे हम मिंट भी बोलते हैं। पुदीना इंडियन किचन का एक इंटीग्रल पार्ट है, बहुत सारे डिशेस में हम पुदीने का यूज़ करते हैं, इस्पेशली पुदीने की चटनी तो बहुत फेमस है। एक इम्पॉर्टेंट किचन हर्ब होने के अलावा पुदीना एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट भी है, इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, इसलिए मिंट का यूज़, पुदीने का यूज़ बहुत सारे आयुर्वेदिक होम्योपैथिक मेडिसिन्स में किया जाता है। गर्मियों के सीज़न में पुदीने का सेवन करने से हमारे बॉडी का इंटरनल जो टेम्परेचर होता है वो ठंडा हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, इसलिए बहुत सारे शरबतों में पुदीने के पत्तों का यूज़ किया जाता है, पुदीने का सिरप का यूज़ किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पुदीने का यूज़ है एसिडिटी कम करने के लिए, डाइजेशन ठीक करने के लिए, इसलिए अगर हम पुदीने का सेवन रेगुलर करते हैं तो हमारी बॉडी का डाइजेशन ठीक रहेगा, एसिडिटी भी कम होगी। इसके अलावा पुदीने का यूज़ ओरल हेल्थ,
टूथ एक के लिए किया जाता है। बहुत सारे माउथ फ्रेशनर में पुदीने का यूज़ किया जाता है। पुदीना को ग्रो कैसे करें? वैसे तो पुदीने का पौधा आपको आसानी से नर्सरी में मिल जाएगा, लेकिन आपको खुद को प्रोपोगेट करके ग्रो करना है तो आप ग्रोसरी से जो पुदीना लाते हैं उसके जो स्टेम्स रहते हैं वो आप पानी में डालें और कुछ ही दिनों में, 4 या 5 दिनों में आप नोटिस करेंगे कि नए रूट्स आए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये जो कटिंग्स है ये मैंने मेरे पौधे से लिए है। ये कटिंग्स एक हफ्ते पहले मैंने पानी में डाले थे और आप देख सकते हैं कि इनमें कितनी अच्छे से रूट्स आए हैं। आप ऐसे ही घर में कटिंग से पुदीना ग्रो कर सकते हो। आपको बस एक ध्यान में रखना है, कटिंग ऐसी जगह लेनी है जहाँ पे नोड़ हो और हेल्दी कटिंग्स लेने हैं। और ये कटिंग्स जब भी आप पानी में रखें तो जो नीचे के जो पत्ते हैं जो पानी में जाने वाले हैं वो निकालें और ऊपर में कुछ पत्ते आप रख सकते हैं। बस आपको इतना ही करना है और ये जो पानी का ग्लास या जो आप वेसल यूज़ करने वाले हो वो अच्छी लाइट में रखें। 4 या 5 दिन में नए आपको रूट्स मिल जाएंगे। और जैसे ही कटिंग्स को स्ट्रॉन्ग रूट्स आ जाए आपको ये कटिंग्स वेल ड्रेन पॉटिंग मिक्स में अच्छी सॉइल में ट्रांसफ़र करना है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जो भी आप पॉट सिलेक्ट करें उसकी चौड़ाई जो हो वो बड़ी हो, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली स्प्रेड होता है और एक बार जो ये इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई तो ये बहुत ही फास्ट ग्रो होता है। इसलिए ध्यान में रखें कि थोड़ी पॉट की चौड़ाई बड़ी हो। और पुदीना को आप सेमी शेड एरिया में भी रख सकते हो। लाइट या सेमी शेड एरिया में पुदीने अच्छे से ग्रो होता है। बस इसे इंटेंस सनलाइट, जो दोपहर की जो तेज़ धूप रहती है उससे प्रोटेक्ट करना है। और पानी के बारे में, पुदीना को आप रेगुलर पानी दें। याद रखें कि पुदीना की सॉइल जो है, मिट्टी जो है वो हमेशा मॉइस्ट रखे, उसे कभी भी कम्प्लीट ड्राई मत होने दें। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जब भी आप पुदीना को हार्वेस्ट करें तो याद रखें ये जो टॉप के जो पत्ते रहते हैं ऊपर के जो है उनको हार्वेस्ट करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्लेवर जो रहता है पुदीने का वो आपको यहाँ मिलेगा। और उससे आपको और एक फ़ायदा मिलेगा, जैसे ही आप यहाँ से अगर आप पिंच करेंगे तो थोड़े दिनों के बाद आप नोटिस करेंगे कि यहाँ से नई शाखाएं, नई ब्रांच आना स्टार्ट हो जाएंगी। उससे आपका पौधा जो होगा वो बुशी होगा। पुदीना का यूज़ आप बहुत सारे डिशेस में ऐड करके कर सकते हैं, या पुदीने की चटनी बना सकते हैं, और आप शरबत में भी पुदीना का यूज़ कर सकते हैं। इन पौधों के अलावा मैं रिकमेंड करूंगी कि आप माइक्रोग्रीन्स भी ग्रो करें और वो 10 या 15 दिन में रेडी हो जाते हैं हार्वेस्टिंग के लिए, जो आप आसानी से घर में लगा सकते हो। और माइक्रोग्रीन्स बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच रहते हैं और इम्यूनिटी बूस्टर रहते हैं, जो आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए मैंने रिसेंटली ही एक माइक्रोग्रीन्स के लिए ऊपर एक वीडियो सेपरेट बनाया था, जिसकी लिंक मैं शेयर कर रही हूँ, वो आप चेक कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जो मेडिसिनल प्लांट के लिए ऊपर था। और ये प्लांट्स आप आसानी से घर में लगा सकते हैं और आपके डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी गार्डनिंग।